अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मंगल 8th क्लास तर्जमतुल कुरान का पेपर आउट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि एग्ज़ाम और रिजल्ट से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आती है उसका इंशाल्लाह सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जी स्टूडेंट, बात करते हैं 8th क्लास तर्जमतुल कुरान के पेपर के बारे में। तो जैसा कि आपको यहाँ पे पेपर नज़र आ रहा है फर्स्ट टर्म का, इसमें स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन बी, एमसीक्यूज 2 का ए, एमसीक्यूज 3 का सी, एमसीक्यूज 4 का सी, एमसीक्यूज 5 का स्टूडेंट यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन है। तो एमसीक्यूज की है। इसके बाद स्टूडेंट ये सब्जेक्टिव पोर्शन है जिसमें कुछ हयात के तर्जमे आपने बताने हैं। तो इसकी आंसर की आपको यहाँ पे नजर आ रही है सब्जेक्टिव पोर्शन की। ऑब्जेक्टिव की जो आंसर की थी स्टूडेंट वो आपके साथ शेयर कर दी गई थी। अब सब्जेक्टिव की आंसर की आपको यहाँ पे नजर आ रही है। आपने इसमें से जो सैंपल आंसर है उनको याद कर लेना है। हर क्वेश्चन का यहाँ पे टू द पॉइंट आंसर दिया गया है। कुछ आयात आपसे पूछी गई हैं, उनके बामुहावरा आपने तर्जमे करने हैं। इसके अलावा सूरतुल तूर का आपने मरकजी मौजू बताना है। दो नंबर का स्टूडेंट यहाँ पे सवाल है, फिर एक तर्जमा आपने लिखना है जो कि दो नंबर का है। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि एग्जाम और रिजल्ट से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आती है उसका इंशाल्लाह सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये 8th क्लास तर्जमतुल कुरान का पेपर है जो कि मंगल को कंडक्ट होना है। स्टूडेंट इसकी मुकम्मल आपके पास जो आंसर कीज है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।